हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया है कि आज जो है ना, मैं डिफरेंट लिपग्लॉसेस जो है यूज़ करके अपना आई मेकअप करने वाली हूँ। आई डोंट नो व्हाई, कब, कैसे और क्या मेरे दिमाग में आया जो मैंने ये जो है शूट करने का सोचा। बट अचानक बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया और मैंने जो है वो शूट करना स्टार्ट कर दिया और आई लिटरली डिड इट। यानी कि मतलब मैंने वाकई में किया है ये। और सबसे पहले जो है ना, मैंने सबसे डार्क शेड लेके ना आउटर कॉर्नर बनाया है और अपनी क्रीज से ऊपर जो है ना अप्लाई किया। जैसे जैसे हम अपने आई शेडोज अप्लाई करते हैं, वैसे वैसे ही जो है ना मैंने ये जो है अपने लिप ग्लॉसेस का शेड लिया और अप्लाई किया। पहले जो है मैंने मेहरून कलर से जो है लगाया, देन उसके बाद मैं जो है डेप्थ देने के लिए जो है पिंक कलर का जो है लिप ग्लॉस वो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और इससे जो है मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ये वाला जो था ना, थोड़ा सा मेरे लिए ब्लेंड करना मुश्किल था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला मैंने जो है डॉट पहले लगा लिया था, इसलिए मुझे दोबारा जब ब्लेंड करते हुए मुझे दोबारा इस पर जो है अप्लाई करना पड़ा। ठीक हो गया, तो पहले वाले ने मुझे इतना तंग नहीं किया, बट इसने मुझे तंग किया था। यहाँ पर जो है मैं ऑरेंज सा शेड है ये यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने अप्लाई किया। आई डोंट नो ये कैमरे में क्यों ऐसा आ रहा है, शायद लाइट वगैरह की वजह से। तो बट ये बहुत प्यारा कलर था, ऑरेंज सा शेड है। मैं आपको यहाँ पे पिक लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, फिर जो है ना मैंने इसको दूसरी आंख पे भी लगा के ना अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। बट जो कैमरे में ना इसकी लुक नहीं आ रही थी, जो मैं लुक चाह रही थी ना इसको देना, वो लुक नहीं आ रही थी इसके। यहाँ पे जो है ना मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सारे शेड जो है ना सेम लगा दिए। फिर जो है ना मैंने इससे भी थोड़ा लाइट शेड लिया। यहाँ पे मेरी जो पिक आपको शो हो रही है ये कलर लेके, फिर मैंने ये अप्लाई किया तो ये मतलब अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी नज़र आ रहा था कि हाँ कोई तीसरा कलर लगाया है। मतलब पहले मैंने मेहरून लगाया, उसके बाद पिंक लगाया, अब जो है मैंने ये लाइट सा शेड लेके ये अप्लाई किया। इसको भी जो है मैंने बहुत अच्छे से जो है ना अपनी तरफ से फुल कोशिश किया इसको ब्लेंड करने की। फिर जो है ना मैंने पिंक सा शेड लेके वो जो है अपने अंडर आई भी लगा लिया। ठीक हो गया, नीचे जो है ये भी जो है मैंने वो नहीं लगाया था लिप ग्लॉस, ये जो है मैंने आई शेडो लगाया था। झूठ नहीं, बिल्कुल सच्ची सच्ची मैंने पिंक सा शेड लेके वो मैंने अप्लाई कर लिया था। ठीक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और लाइट लाइट से शेड चाह रही थी, इसलिए जो है ना मैंने ये थोड़ा सा और जो है ना ये लाइट शेड जो मैंने आपको लास्ट पे लगाया वो मैंने अप्लाई कर रहा। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने पिंक पर्पल सा शेड लेके ये जो आपको शो रहा है ये अप्लाई कर दिया था। उसके बाद अंडर आई जो है, पहले मैंने पिंक लगाया था लेकिन उसे आँख बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर जो है मैंने ब्लैक से जो है ना वो लेके, वो ब्लैक आई शेडो लेके उसको जो है अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। उसके बाद जब जो है मुझे अपनी आईज़ अच्छी अच्छी नहीं लग रही थी, फिर मैंने लेंजेस लगाए और काजल लगाया तो फिर भी जो है ना, और इनर कॉर्नर पर जो है ना यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना मतलब बॉम सा चाह रही थी तो मैंने यहाँ पे पर्पल सा शेड लगा लिया। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, आप जो सा मर्ज़ी लगा लें। ठीक हो गया, उसके बाद जो है मैंने ब्रो बोन को जो है सिल्वर कलर के हाइलाइटर से जो है हाईलाइट कर लिया है। ठीक हो गया, सिंपल। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में रिव्यू ये दूंगी कि अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ब्लेंड करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से ये ब्लेंड हो गया था, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। ये है कि मतलब आपको फ़ौरन फ़ौरन करना होगा लेकिन ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों के सामने कितना अच्छा ब्लेंड हुआ है, वैसे लगा जैसे पाउडर ही मैंने मेकअप किया, बट ये क्रीमी मेकअप में आएगा। ठीक हो गया, तो जी मुझे तो अच्छा लगा, आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे जो है ना थोड़े से मेरे शशके रोशनी हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब लास्ट में कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।